For watching health related video, please drop a like, subscribe and hit the bell icon for which you will get a new video notification first. स्टेज टू में थोड़ा सा बड़ा नीचे के लेवल पे रहा। ये अगर किसी भी हालत में खुदा ना खास्ता बढ़ते बढ़ते मेडिकल फैसिलिटी की लाइन को क्रॉस कर गया, ये कर्व किसी भी हालत में मेडिकल फैसिलिटीज की लाइन को क्रॉस कर गया तो यहां संभालना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 1 लाख वेंटिलेटर है हमारे देश के अंदर, 130 करोड़ की आबादी है। खुदा ना खास्ता 5% लोग इन्फेक्टेड हो गए तो 6.5 करोड़ इन्फेक्शन होते हैं। भगवान करे 90% लोग ठीक हो जाएं, 65 लाख लोगों को वेंटिलेटर का जरूरत पड़ा, वी हैव ओनली 1 लाख वेंटिलेटर। 1 लाख वेंटिलेटर हैं और 65 लाख लोगों को डालना है, सोचिए डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कितना बड़ा धर्म संकट होगा कि किसको डाले किसको नहीं डाले। जर्मनी के बारे में सुन रहा था कि 2 लोग आए डॉक्टर के पास, 1 वॉज 71 ईयर ऑफ एज, 1 वॉज 32 ईयर ऑफ एज। अब डॉक्टर को ये चूज करना था कि वो 71 साल के आदमी की जिंदगी बचाए या 32 साल की। डॉक्टर ने कॉल लिया, 32 साल के लड़के को वेंटिलेटर पर डाल दिया क्योंकि उसको लगा कि 71 साल का आदमी अपनी ज़िंदगी करीब करीब जी चुका है। कितना कठिन डिसीजन है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, वो स्थिति अपने को पैदा नहीं होने देनी। इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन, बहुत सारी कंट्रीज में लॉकडाउन तब हुआ जब ये खेल इस रेखा से ऊपर निकल गया। जैसे ही खेल ऊपर रेखा से ऊपर निकला, कहीं लोगों ने यहाँ लॉकडाउन किया, कहीं लोगों ने यहाँ लॉकडाउन किया, धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होनी शुरू होगी। होगी कब होगी नोबडी नोज, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने लॉकडाउन यहीं पर कर दिया है, यहीं लॉकडाउन हो चुका है। ऑन द थर्ड स्टेज हम लोगों ने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन को कामयाब बनाना मेरे और आपके हाथ में है। खुदा ना खास्ता ये कर्व मेडिकल फैसिलिटी की लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपका और मेरा एक ही दायित्व है कि ये कर्व की लाइन किसी भी हालत में मेडिकल फैसिलिटीज की लाइन को, हमारी सर्विसेज को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये और मेरे आपकी परीक्षा है, जंग है मेरी और आपकी। घर में रहिए, प्रधानमंत्री कल 2 बार हाथ जोड़ के विनती किए कि आप घर में रहिए, मैं आज आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सलाम कर रहा हूं, माथा टेक रहा हूं आपके सामने कि प्लीज आप घर पर रहिए। इस कर्व को हमको इस लाइन के ऊपर किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना, क्योंकि अगर एक बार ये कर्व इस मेडिकल फैसिलिटी की लाइन को क्रॉस किया तो स्थिति आपके और हमारे हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी, और स्थितियां एक बार हाथ से फिसली तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्त, प्रधानमंत्री बोले अगर 21 दिन संभाल लिए तो बच गए, नहीं तो 21 साल पीछे हो जाएंगे। जान है तो जहान है, घर पे रहिए, अपने माँ बाप के पास रहिए, बच्चों के पास रहिए, एहसान करिए इस मुल्क पर, अपने अड़ोसियों पर, पड़ोसियों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर, परिवारों पर। घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ये क्रांतिवीर बनने का टाइम नहीं है, ये बुजदिल बनने का टाइम है। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, बुजदिल बन जाइए, घर पे रहिए, कोई भी बुलाए मत जाइए, कुछ भी हो जाए मत जाइए। क्या हो जाएगा अगर 21 दिन घर पे रह जाएंगे, आफत तो नहीं आ जाएगी, मर तो नहीं जाएंगे घर के अंदर। लोग कहते हैं कि सब्जी लेने जाना है, कोई कहता है दूध लेने जाना है, 21 दिन दूध नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा। 21 दिन का संयम हमारे और आपको एक सुनहरा भारत दे सकता है। मैं जानता हूं यह मुश्किल है, लेकिन इस स्थिति से आसान है। यह स्थिति हो गई आप संभाल ही नहीं पाएंगे, अभी भी चीजें हमारे हाथ में है, अभी भी चीजें हमारे कंट्रोल में है। मैं फिर आपसे कहता हूं, संयम रखिए, 21 दिन जो कुछ भी है आपके घर में जैसे तैसे गुजारा करिए। 14 वर्ष का वनवास हुआ था भगवान राम को, 14 साल चाय नहीं मिली होगी, बर्गर नहीं मिले होंगे, पेस्ट्री और पिज्जा नहीं मिला होगा, 14 साल कैसे खाया होगा, कैसे रहे होंगे, रहे ना। हमको तो सिर्फ 21 दिन का वनवास हुआ है। कहानियां सुनने के लिए नहीं है, प्रेरित होने के लिए। आज मौका है उन कहानी से सीखें। अगर वो 14 साल का वनवास निकाल सकते हैं तो मैं और आप 21 दिन का निकाल सकते हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि प्लीज इस 21 दिन अपने घर की लक्ष्मण रेखा न लांघें, जैसे तैसे हो अपने घर में गुजारा करें। यह आसान नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्वस्थ रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर ने चाहा 21 दिन के बाद सुनहरे सपने के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊंगा, भारत की जीत का, आपकी और हमारी जीत का। इस भारत को हमको हिमालय की चोटी तक ऊपर लेके जाना है।
और वो करके दिखाना है जो जर्मनी नहीं कर सका, वो करके दिखाना है जो इटली नहीं कर सका, जो चाइना नहीं कर सका। हमारे और आपके हाथ में आज गेंद है, गेंद हमारे पाले में है दोस्त। शर्मिंदा ना हो जाए, बस शर्मिंदगी ना हो जाए। लोग याद रखें कि भारत के लोगों ने वो कर दिया जो बड़े बड़े तमाम समर्थ मुल्क नहीं कर सके। आज मेरे और आपके इम्तिहान का दिन है, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए देशभक्ति दिखाने का सुनहरा अवसर ईश्वर ने आज आपको दिया है। डिफिकल्टी में से अपॉर्चुनिटी निकलती है, ये मौका है अपने आप को साबित कर देना कि देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बस इतना सा करिए, घर में रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करे कि ये देश हमेशा से वैसे ही फले फूले और वही चहल पहल पूरी दुनिया में हमारी धमक दिखाई दे। 21 दिन के बाद फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए। शुक्रिया।